एक परिवार के तीन सदस्यों ने एक साथ खुदकुशी कर ली, एक नाउम्मीद जीवन का अंतिम विकल्प। कहते हैं इंसान तो क्या, जानवरों के लिए भी सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ होता है। उन सब के हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में एक बात समान होती है, वो सब जिंदगी से बेहद हताश, बेहद मायूस होकर ये कदम उठाते हैं। आखिर क्या मजबूरी थी इस परिवार की, आखिर इस त्रासदी से पहले इनकी मानसिक दशा क्या थी? ये घटना है 1996 में भारत के एक राज्य की। इस घटना के 4-5 बरस पहले से ही उस राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों पर एक बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी। आखिर क्या थी वो आफत? ये कब हो गया भाई? अभी थोड़ी देर पहले रात भर तड़पती रही, सुबह छुट्टी मिल गई, मर गई। मरी नहीं है मेरी माँ, मार डाला मेरी माँ को। ये क्या कह रहे हो अमर, ऐसा नहीं कहते। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरी माँ मरी नहीं है, हत्या हुई है मेरी माँ की। और यही हत्या रे, ये आंसू सब नाटक है। ऐसा नहीं कहते बेटा। अरे हटिए आप, ये आप, अरे सबके सब कायर हो। मेरी माँ जिंदा थी तब तक कुछ नहीं किया आपने, अब मेरी माँ का सर अपने गोद में रख के रोते रहिए आप। बिना इलाज के, बिना दवा के मर जाने दिया मेरी माँ। ऐसा नहीं, कुछ नहीं किया आपने। तो बलदेव के बारे में सोच सोच के परेशान हो, कैसे गुजारा करेंगे बेचारे? ये सब कैसे हो गया? अरे वो देखो बलदेव। बलदेव हौसला रखो मेरे दोस्त, दुख तो होता है पर अच्छा ही हुआ मर गई, जिंदा रहकर और दुख सहती, मरकर उसे छुटकारा मिल गया। साहब आए क्या? गाड़ी तो खड़ी है नीचे, मगर अभी तक दिखे नहीं है। साहब हमारी सैलरी कब मिलेगी साहब? अरे तुम्हारी सैलरी क्या मैं दबा के बैठा हूँ? जब मिनिस्ट्री से पैसा सेंक्शन हो जाएगा मिल जाएगी। 4 साल से 3 महीने की भी सैलरी नहीं मिली साहब। तुम अकेले नहीं हो जिसको सैलरी नहीं मिल रही है। साहब मेरा बेटा बीमार है साहब, उसे अस्पताल नहीं ले गया वो मर जाएगा साहब। 5,000 रुपए का सेंक्शन करा लीजिए साहब। अजीब आदमी हो। अरे कहाँ से दूँ, काम नहीं हो रहा है, बसें नहीं चल रही है, करोड़ों का घाटा है। लेकिन मेरा बेटा साहब। तुम्हारे अकेले का नहीं है, इस कंपनी में 2,720 लोग काम करते हैं, सबके बीवी बच्चे हैं, वो कैसे गुजर कर रहे हैं? तुम कोई स्पेशल नहीं हो, सैलरी आएगी मिल जाएगा। अब हटो, रास्ता छोड़ो साहब। मगर हटो, मेरा बेटा साहब हटो। लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था क्योंकि लोक निगमों का कामकाज ठप पड़ता जा रहा था, वो घाटे में जा रहे थे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। वो ना तो लोक निगमों को बचाने की कोशिश कर रही थी और ना ही कर्मचारियों को राहत देने के लिए कोई कदम उठा रही थी। किसी कर्मचारी को 3 साल से वेतन नहीं मिला था तो किसी को 4 साल से, और कुछ तो 7 सालों से बिना वेतन काम करने को मजबूर थे। यार जब ये नौकरी लगी थी तो सोचा था कि लाइफ सेटल हो गई, फिर से सत्तू खा के सोने के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। भिखारियों से भी बदतर हाल हो गया है हमारा। हम तो सोच रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ के गांव चले जाएं, थोड़ी सी जमीन है, इतना तो मिल जाएगा कि बच्चे भूखे नहीं मरे। ये नौकरी छोड़कर गए ना तो जो पैसा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो बस मौत मिलनी रह गई है, पैसा नहीं मिलेगा। हमारे पास तो जमीन भी नहीं, कहाँ जाएं? क्यों बलदेव? बलदेव क्या चाहिए तुम लोगों को? बात वही पुरानी है साहब, हमें हमारी तनख्वाह कब मिलेगी? रानी हो या नहीं, इस तरह सर पे सवार होने से कुछ नहीं होने वाला है। नई बसें आ रही हैं, जब रूट पे चलने लगेगी, कंपनी दोबारा पैसा कमाने लगेगा, फिर तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। अभी कंपनी का खाता खाली है। खाता खाली है तो तुम्हारा सैलरी कहाँ से मिल रहा है? तुम्हारा हालत हम जैसा फटीचर क्यों नहीं है? 3 रोज पहले मेरी बीबी मर गई, उसके पेट के ट्यूमर के इलाज के लिए पैसे नहीं, उसकी मौत का जिम्मेदार मेरा बेटा मुझे ठहरा रहा है। मेरे घर बर्बाद हो गए, मरा है कोई आपके यहाँ? देखो मौत पे किसी का वश तो है नहीं,
फिर भी तुम्हारी वाइफ के मरने का मुझे अफसोस है। हमें नहीं चाहिए आपका अफसोस, हमें हमारी तनख्वाह चाहिए बस। कल सुधीर अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगने आया था ना, आज उन लोगों ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया है। पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने बेटे के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा, जहर खा लिया और उसके मौत के जिम्मेवार तुम हो। तुम डोंट टच मी, क्या कर लोगे? निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊंगा और तुम लोगों को अंदर करवा दूंगा। ए, बाहर करो इन लोगों को, और खबरदार तो कभी इधर दिखे। एक आम इंसान को अगर एक महीने का वेतन ही ना मिले तो उसका पूरा जीवन स्तर डगमगाने लगता है, चिंता, असुरक्षा और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, परिवार में कलह का वातावरण तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, यहां तो ये परिवार सालों साल बिना वेतन के गुजारा कर रहे थे, उम्मीद और ना उम्मीदी के बीच झूलते, किस तरह हालात का मुकाबला करते हो, क्या गुजरती होगी उन पर, और अगर ऐसे में परिवार के सदस्य मौत के मुंह में जाने शुरू हो जाए तो फिर? और ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं थी, हजारों हजार परिवार इसी तरह का दुख और मातम झेल रहे थे, हालात वाकई जीने लायक नहीं थे। देखिए, आपका बायोडाटा तो बहुत ही अच्छा है, पर फिलहाल हमारे पास कोई जगह नहीं। सर, मैं साफ सफाई से लेकर और लिखा पढ़ी तक का कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं बहुत मुसीबत में सर, कोई भी काम, कोई छोटा मोटा। देखिए, हम आपकी मुसीबत समझते हैं, पर आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए, फिलहाल हमारे पास कौन जगह, आप जाइए। सर, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन हमको जरूरत नहीं। जैसे आपके यहाँ जो हिसाब किताब रखते हैं ना आप, वो काम मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। अरे भैया, लेकिन वो सब काम तो मैं कर लेता हूँ ना, दुकान भी छोटी सी है। उसके साथ साथ मैं आपका और भी काम, जैसे कहीं कुछ पहुँचाना है, कुछ लाना है, वो भी मैं कर लूंगा। अरे भैया, हमको आदमी की जरूरत नहीं, हमको माफ कर। बलदेव भाई, ये क्या नया शुरू कर दिया? जिंदा तो रहना है ना भाई, लेकिन इस तरह से रिक्शा चलाकर? अरे अगर तुम्हारे गांव में खेती ना होती तो तुम क्या करते? वही करते जो तुम करते। सोचो, अगर तुम्हारे बड़े भाई साहब प्राइवेट नौकरी करके घर का खर्चा ना चलाते तो? सोच रहा हूँ मैं भी रिक्शा चला लूँ। क्यों? तो क्या करूँ, अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। मेरा भाई पहले बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेता था, पैसे लाके दे देता, सामान लाके रख देता, अब छोटी छोटी चीजों के लिए उसके सामने हाथ पसारना पड़ता है। इस तरह भीख मांगने से अच्छा है कि मैं रिक्शा ही चला लूं। रत्ना, रत्ना बेटा। जी पापा। आटा है, रोटी बना दे, अमर भूखा होगा। जी पापा। पापा, पापा मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? कहाँ इतने पैसे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए तो चाहिए। रांची में क्रिकेट सिलेक्शन कैंप चल रहा है और कोच कह रहे थे कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। पर बेटा, पापा कहीं से जुगाड़ कर लो, मुझे नहीं पता। पापा एक बार जुगाड़ हो गया तो मेरे खर्चे की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहूंगा, खाना पीना फ्री, स्कॉलरशिप वो भी अलग से मिलेगी। 500 रुपए होते तो तेरी माँ बगैर इलाज के मर जाती। मतलब आप फिर कुछ नहीं करेंगे? अमर, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। अमर, अमर सुन तो, अमर। कहाँ था तू रात भर? क्या कर रहा है तू? अनिल, कहीं कुछ तो बचा के रखा होगा तेरे लिए। कहीं कुछ नहीं है। देख दीदी, मुझे सिर्फ 500 रुपए चाहिए। एक बार स्पोर्ट्स ऑफिसर में एडमिशन हो गया, उसके बाद सब चुका दूंगा मैं तेरा। बस 500 रुपए दीदी। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
कहीं कुछ नहीं है, और होता तो मैं पहले ही दे देती। ये क्या है? अमर सुन, अमर, अमर सुन तो। मम्मी के पास जितने भी गहने थे वो पहले ही बिक चुके हैं घर चलाने के लिए, कुछ नहीं बचा है। और ये जो चूड़ी थी ना, ये भी नकली है। पापा, बस कहीं से 500 रुपए का जुगाड़ कर दो पापा। मुझे अपनी करियर की परवाह नहीं है पापा। वहां पर पेट भर खाना मिलेगा पापा, तीनों टाइम का खाना मिलेगा पापा। किससे ले लूं? सभी तो फटे हाल है, दिन भर रिक्शा चलाकर ये 17 रुपल्ली मिले, कहां से लाऊं बेटा 500 रुपए, तू ही बता मुझे। चलिए साहब ने बुलाया। अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो, चलिए ना। अब होश ठिकाने पर है या नहीं साहब? आपको बताया ना, इसको सदमा लगा। सदमा आदमा कुछ नहीं है। देखो अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो इस तरह नहीं छूटोगे, याद रखना। चलो भाई, चलो बल्दे। जो भी रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। सिख यूनिट है, सिख यूनिट है तो इसको सिख बनाया किसने? इन्हीं लोगों ने बनाया ना। पुरानी बसों के रूट बंद कर दिए, नई बसें खरीदी नहीं, और जब नई बसें खरीदी तो लाके डेपो में खड़ी कर दी। और जब पूरी तरह भ्रष्टाचार हो गया तो कह रहे हैं कि सिख यूनिट है, नहीं चला सकते, बंद कर देंगे। ये भी कोई बात हुई? अमर ठीक कहता था, कायर हैं हम सब, कायर। कभी हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी ही नहीं, हमेशा घिघियाते रहे। और करते भी क्या हड़ताल? काम तो पहले से ही बंद है। हड़ताल नहीं कर सकते, एक साथ एक आवाज में बोल तो सकते हैं। सुधीर जब लड़ रहा था तो हम सब देख रहे थे, पुलिस के नाम से ही हमारी रूह कांपने लगती है। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम सड़क में उतर जाएं? और सड़क पर उतर कर मारपीट करें क्या? बिना मारपीट के भी लड़ाई होती है, गांधी जी ने भी तो लड़ी थी लड़ाई। मैंने तो सोच लिया है, अब चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मेरा जवान बेटा चला गया, बीवी तड़प तड़प के मर गई, अब मेरी जिंदगी में रखा क्या है? घुट घुट कर जीने से लड़ते हुए मरना अच्छा। बल्दे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन करेंगे क्या? आप तो पर्सनल में है ना? हाँ। तो सारे कर्मचारियों की फाइल आपके पास होगी, इसमें सब लोगों का डिटेल्स है, कौन कितने साल से सर्विस में है, किसका कितना बकाया है, किसका कितना सैलरी है। ये सारे डिटेल्स हमारे पास भी होने चाहिए। पर इससे होगा क्या? हो चाहे ना, पर अपनी बात कहने से पहले हमारे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। किसको देना सबूत? अखबार वाले। कल से हम यहाँ धरना। धरना क्यों? रोज आते हैं, साइन करते हैं, और करते क्या है? बस कल से हम लोग यहाँ धरना देंगे, एक साथ बैठेंगे, एक विचार एक मांग के साथ। और एक बात और, क्या हमारे कर्मचारियों में किसके घर कितनी मौतें हुई थी और किस वजह से, इसका हमें एक रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। लड़ने की कर ली तैयारी, कर्मचारी है नहीं भिखारी। लड़ने की कर ली तैयारी, कर्मचारी है नहीं भिखारी। हमारी मेहनत की कमाई देनी होगी पाई पाई। हमारी मेहनत की कमाई देनी होगी पाई पाई। ऐसे क्या बोल रहे हो? आवाज हमारी उन तक पहुंचनी चाहिए। बहरे बहरे
हमारी मेहनत। अरे बल्दे भाई, बल्दे भाई, बल्दे भाई, बल्दे भाई, बल्दे भाई, बल्दे भाई, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ हमें, कुछ नहीं हुआ हमें, हमारी मेहनत की कमाई तेरी होगी पाई पाई, हमारी मेहनत की कमाई तेरी होगी पाई पाई। पापा खाना। बल्दे अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। दिन भर गला फाड़ के क्या मिला? जहा अभी तो शुरुआत है यार, आगे आने वाले दिनों में भी कोई ज्यादा लोग साथ नहीं आने वाले। सब डरते हैं कि अगर साहब नाराज हो गए ना तो जो मिलना है वो भी कहीं डूब न जाए। एक काम हो सकता है, हमारी जैसी प्रॉब्लम और लोक निगमों की भी तो है, वहाँ भी तो तनख्वाह नहीं मिल रही है। हाँ पर ऐसे तो 30-40 सरकारी निगम, जरा सोचो अगर एक निगम से 10 लोग भी आएंगे 300-400 तो आसानी से हो जाएंगे, और अगर कहीं ज्यादा आए तो 1000 और 1000 लोगों की बात को अनसुना करना उनके बाप की औकात में नहीं। हम लोगों को एक साझा संघ बनाना होगा, लोक निगम बचाओ संघ। बलदेव ने अपने साथियों के साथ साथ और निगम के लोगों को भी एकजुट करके निगम बचाओ संघ बनाया और कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। आजकल हमारे अखबार के चर्चे पूरे भारत में, आपको तो मालूम ही होगा। सर जी एक न्यूज देनी। दीजिए। लोक निगम बचाओ संघ की तरफ से ये बयान है। अरे भाई कैसा संघ है आपका, लेटर एड भी नहीं है क्या? यही तो लड़ाई है सर, 4-4 साल से लोगों को सैलरी नहीं मिली, खाने के लाले पड़े हुए, लेटर हेड कहाँ छपवाएंगे। ठीक है ठीक है, आप जाइए हम देख लेंगे। 40 लोक निगम के लोग एक हो गए हैं सर, सरकार को कुछ करना ही होगा। तो यहाँ पर आकर काहे भाषण दे रहे हो भाई, हमने देख लिया, हम सरकार थोड़ी हैं। आप जाइए, हाँ देखेंगे हम। अच्छा सर। हाँ ठीक। तुम्हें क्या लगता है छापेगा ये? व्यवहार तो बड़ा रूखा सा था। नहीं नहीं छापेगा। भाई साहब ये क्या संघ बताया था आपने अपना? लोक निगम बचाओ संघ। आप कौन? रवि, रवि सिन्हा, मैं इंडियन ट्रिब्यूट में नेशनल करेस्पोंडेंट हूँ। भाई साहब मुझे लगता है कि आपने जो खबर बताई है वो शायद इनके काम की नहीं है लेकिन मेरे काम की है। आप छापेंगे? जी। कैसे हो भैया? अरे बलदेव भैया बस कट रही है भैया। ये गयास भाई हैं, पहले स्टेट फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में लैब असिस्टेंट थे और आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्या डेवलप कर रहे हैं। अरे भैया जिस नौकरी में काम करने पर भी पैसा ना मिले वो नौकरी नहीं बंधुआ मजदूरी है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं, 49 लोक निगम में तकरीबन 89,000 लोग जिन्हें सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। कितने तो मर गए बिना इलाज के, कितने परिवारों ने आत्महत्या कर ली, मेरे बेटे ने भी। सिर्फ 500 रुपए चाहिए थे उसे स्पोर्ट्स हॉस्टल में एडमिशन के लिए, मैं नहीं दे पाया। बहुत अच्छा बॉलर था, उसे सब जानते हैं। देव जी इतना सब अन्याय हो गया और किसी ने इसके बारे में छापा तक नहीं। आपके आंसुओं का हिसाब अब ये देश मांगेगा। बलदेव भैया, बलदेव भैया, अरे बलदेव भैया, बलदेव भैया, अरे कहाँ हो? बलदेव भाई, बलदेव भाई,
बुल्दे भाई आराम से आराम से। अरे रवि की रपट अखबार में छप गई। हाँ चल। कहाँ जा रहे हैं पापा? बेटा हमने जो खबर दी थी वो अखबार में छप गई। अखबार लेने जा रहे हैं। चल चले। अरे भाई ट्रिब्यूट है ट्रिब्यूट। हाँ फ्रंट पेज पे छपा है। अरे भैया पढ़ना है तो खरीदना पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे नहीं। तुम्हारे पास है क्या? नहीं। दर्द 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 ट्रिब्यूट पे जो रपट आई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए ये सब झूठ, कुछ फालतू लोगों का फर्जी संगठन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की चाल, वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। सर एक आखिरी सवाल। सर अभी बाद में। सर एक आखिरी सवाल। सर 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 सुनिए सर 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 प्लीज। मंत्री जी कह रहे हैं कि आपका संगठन फर्जी है। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ कहा जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले सारे सबूत इकट्ठा किए। 49 लोक निगम में सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। 89,000 कर्मचारी प्रभावित हैं। जो चाहे जांच कर सकते हैं। क्या आप हमको उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं? क्यों नहीं, बस आपको फोटोकॉपी कराने का खर्चा उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल लीजिए। साइन तो कर दिया, अब सैलरी कब मिलेगी? बलदेव बाबू कल टीवी पर देखा है आपको, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। अब हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा स्टाफ आपके साथ है। साहब बुला रहे मुझे? हाँ आप ही को। मैं साइन करके आ रहा हूँ। करिए आप फिर साइन करिए। जी ये क्या है? सच आप ही बताइए गलत क्या है? गलत हो या सही तुम अपना बयान वापस दोगे। तुम्हें पता भी है इससे सरकार और निगम की इमेज को कितना डैमेज हुआ है? कितना डैमेज हुआ है? सरकार की बीबी बिना दवा बिना इलाज के मर गई है। किस डैमेज की बात कर रहे हैं आप? देखो बलदेव अभी लड़ने का समय नहीं है, ये हमारे घर की समस्या है। बलदेव घर की समस्या? उस दिन आपने पुलिस की धमकी देकर हमें दुत्कार के यहाँ से निकाल दिया, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की, हमदर्दी की बात दूर है, और आज घर की बात कर रहे हैं। कौन सा घर? आपका, जहाँ लगातार तनख्वाह आ रही है, और मेरे घर में खाने वाले 4 से 2 हो गए, फिर भी भूखे सोते हैं। बलदेव देखो मुझे ये सब पता नहीं था, तुम्हें बताना चाहिए था। अब देखो अकेले मैं तो सबकी मदद नहीं कर सकता ना। हाँ तुम्हारी कर सकता हूं। एक मिनट, ये हाँ ये कुछ पैसे हैं, रख लो काम आएंगे। बस इतने से पैसे मांगे थे मेरे बेटे, नहीं दे पाया। अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। रख। वो सब तो आप ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन हमें एक बात बताइए कि ये सब से क्या होगा? पहले कुछ नहीं हुआ भाभी, क्योंकि हम डरते थे, पर अब काहे के लिए डरे? अब कुछ मिल भी गया तो क्या होगा भैया? ये सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई नहीं है भाभी, ये लड़ाई है सच की, अपने हक की। आप ये मत समझिए कि आप अकेली हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1400 लोग मरे हैं। 1400 लोग, इसका हिसाब किसी को तो देना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब का डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए। ठीक है भैया हम ला रहे हैं।
ये लीजिए पापा। दाल नहीं खाऊंगा, गैस बनती है। ये भी। पापा, एक रोटी और वो भी सूखी। मिर्च है ना। पापा, आप हमेशा से दो रोटी खाते आए हैं और वैसे भी अभी आपको कमजोरी है। अरे कोई कमजोरी उमजोरी नहीं है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है। तेरी तो उम्र है खाने की। पापा, हमको मालूम है घर में तीसरी रोटी का आटा नहीं है। अरे रे रवि बाबू, आइए आइए। नमस्ते बलदेव जी। आइए, भोजन? नहीं नहीं, मैं तो घर से खाना खा के आया हूँ। अच्छा, आप मुझे सर्टिफिकेट्स देने वाले थे। हाँ हाँ, वो सब मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें सारी मौतों के डिटेल्स हैं और उन सब के नाम और पते भी। रवि जी, मैंने आपके बारे में सबको बता दिया है, आप जाकर उनसे खुद बात कर लीजिए। अच्छा बलदेव जी, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? अपना विजय कांत चौधरी, बिटिया को बुखार था कई दिनों से। भगवान, इस महीने इस गली में ये चौथी मौत है। ये मौत नहीं, ये हत्या 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 है। हत्यारों की सजा है। मौत नहीं, ये हत्या है। हत्यारों की सजा है। मौत नहीं, ये हत्या है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? इन लोगों ने पूरे होशो हवास में दंगा किया है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, शहर की शांति भंग की है। देखिए, मैंने भी तो पत्थर मारे थे, पर आपने छोड़ दिया था। वो बात कुछ और थी जो छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। आप लोग जाइए, वकील को लेकर आइए। इस बार कोई भी बिना जमानत के नहीं छूटेगा। चलिए जाइए। राज्य सरकार 1400 मौतों के लिए दोषी है। अभी वो चौधरी की मौत का ही मामला टूटा नहीं हुआ है और एक और बम फूट गया। अरे ये सब तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा है, मालूम है हमको ये सब शादी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की सर, पैसे भी देने चाहे, पर वो मैं सब ठीक कर दूंगा सर सब। अरे रह दे, ये सब तुमसे नहीं होने वाला। अब जो कुछ करना होगा हम ही करेंगे। अच्छा भाई रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मदद न करते तो लोग पता नहीं कब छूटते, कैसे छूटते। बलदेव बाबू, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हो रहा है आपके आंदोलन की वजह से हो रहा है। अच्छा बलदेव जी, मैं चलता हूँ। पढ़ा तो बलदेव भाई, लाइफ में ये तजुर्बा भी हो ही गया। वैसे हवालात के नाम से पहले डर लगता था, इतने लोग साथ थे ना, इसलिए बच गए। देखने वाली बात यह है कि हमारा आंदोलन अब लोगों की नजरों में आ रहा है, शहर के बाहर के लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। अगर वो लोग मदद ना करते तो इनकी जमानत के लिए हमारे पास पैसे कहाँ थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो वो फौरन हमें अराजक घोषित कर देंगे और हमारा आंदोलन बदनाम कर देंगे, फिर हमारे लिए मकसद पाना असंभव हो जाएगा। अब ठीक कहते हैं बलदेव भाई, गलती तो हमसे हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो फिर चलें, मंजिल अब दूर नहीं, चलिए। अपने बेटे की भयावह मौत के बाद बलदेव जरूर कुछ देर के लिए अपना आपा खो बैठे, लेकिन उसके बाद से वो हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहे कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे उनके मकसद को नुकसान पहुंचे। बलदेव जानते थे कि हिंसा फौरी तौर पर गम और गुस्से की अभिव्यक्ति जरूर बन सकती है, लेकिन अंततः हिंसा किसी भी मकसद के लिए घातक सिद्ध होती है। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों को इस खतरे के प्रति होशियार करना जरूरी समझा। लेकिन कुछ खतरे ऐसे थे जिनके प्रति बलदेव भी सचेत नहीं थे, और अब कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी बलदेव ने कल्पना भी नहीं की थी। आ रहे हैं भाई। हाँ मैं हूँ, किसने भेजा तुम लोगों को? कोई भी भेजाओ, तुम्हारा बुद्धि अगर ठिकाने नहीं लगाना तो सीधा यमराज के पास भेज देंगे, बुझाएगो? बुझ गया, पर मैं ये लड़ाई छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मारो, और अगर सिर्फ डराने आए तो जाकर ये बात अपने मालिक को बता देना। कौन है पापा? ये कौन?
मेरी बेटी है। नहीं नहीं। डर लग रहा है। बात समझ में आई कि समझाएं? अरे जिंदगी जोकर हो गई है। गुलाम फेंकना। अरे वैसे तो गुलाम है इनके हम। डील है। अब तो खेलने का भी जी नहीं कर रहा है। सब कुछ पत्तों की तरफ बिखर रहा है। अरे बलदेव, अलग थलग कहाँ बैठे हो? क्या बात, तबीयत तो ठीक है ना? आज जी अच्छा नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं घर जाऊंगा। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं जीना। क्या कर रही है मेरे बच्चे, तुम क्या कर रही है? मैं आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी पापा। आपको नहीं पता आप कितने लोगों की ताकत बन गए हैं। मेरी वजह से आप फिर से एक बार कमजोर हो गए। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो आपको कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो पापा। ना बेटा, तू ठीक कहती है। ये लड़ाई अब मेरे अकेले की नहीं है। इतनी दूर आकर अब इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा डर, हमारी कमजोरी ही उनकी ताकत। मेरी समझ से तो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसके साथ एक लीगल कोर्स भी लेना चाहिए। लीगल कोर्स माने? यानी कि आप जिस अन्याय की शिकायत सरकार से कर रहे हैं वो अदालत से भी की जा सकती है। लेकिन वकील की फीस? एक आदमी है जो आप लोगों की मदद कर सकता है। मैंने तो प्रैक्टिस छोड़ दी, घर पर बैठा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। और आजकल झूठ बोले बिना वकालत तो क्या, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे केस में तो कोई झूठ नहीं है, इसीलिए तो मैं आपका केस लड़ूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इस केस में पार्टी नहीं बननी। मगर ये कैसे हो सकता है? अन्याय तो हमारे साथ हुआ। जरूर हुआ है, लेकिन हमारे इस कानून में एक और चीज जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। और इस याचिका के तहत इस देश का कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और मैं इस केस को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि वकील ने वादा किया था, उसने कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। राज्य सरकार ने अपने बचाव में पहले तो पूरा मामला केंद्र सरकार पर डालने की कोशिश की, और फिर ये कहते हुए अनजान बनने का दावा किया कि उन्हें पता ही नहीं था कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और लोग भूखे मर रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को भोजन, आश्रय और जीने की आधारभूत सुविधाओं का अधिकार देता है। राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों का वेतन न देने का अर्थ होगा बंधुआ मजदूरी, जो संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक अपराध है। देश की चुनी हुई सरकार जब निजी संस्थानों से संविधान और उसमें दिए हुए नागरिक अधिकारों के पालन की अपेक्षा रखती है, तो क्या उसे इन अधिकारों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन लोक निगमों की बिगड़ती हालत पर काबू करती जो सीधे तौर पर उनके नियंत्रण में हैं। लेकिन दारुण तकलीफ और भुखमरी से हुई मौतों का ज्ञान होते हुए भी राज्य सरकार ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए। ये अदालत राज्य सरकार को आदेश देती है कि वो 50 करोड़ रुपया हाई कोर्ट में जमा करे। वो चाहे तो ये रकम निगम की एसेट्स बेचकर प्राप्त कर सकती है। यह अदालत हाई कोर्ट को निर्देश देती है कि जमा किए हुए पैसों में से पहले उन जरूरतमंद कर्मचारियों को दें जिन्हें सहायता की सबसे अधिक जरूरत है।
भैया, बलदेव भैया, बलदेव, बलदेव भैया, बलदेव भैया। अरे बलदेव भैया, अब क्यों रो रहे हो? हमारी जीत हुई है, आज खुशी का दिन है, आंख में आंसू क्यों? ये आंसू उनके लिए जो हमें छोड़कर चले गए, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, और खुशी हम सबके लिए। बलदेव भैया, बलदेव भैया, ये सिर्फ बलदेव गोप की कोशिशों का नतीजा था कि ये व्यापक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार बलदेव की मेहनत रंग लाई और सन 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जहां इस फैसले से कुछ परिवारों को राहत मिली, वहीं कई दूसरे लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की उम्मीद और ताकत। हमारे देश में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून है, लेकिन फिर भी बार बार उनकी अवहेलना होती है। सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे चीखने चिल्लाने और आपस में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें इसका ठोस जवाब देना होगा, जैसा बलदेव गोप ने दिया। अपने हक के लिए उठने वाली पहली आवाज हमारी होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह अब विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।